हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी। ट्रंप के काफिले को दिखाई मिडिल फिंगर, पड़ गई महिला को भारी, नौकरी से धोने पड़े हाथ। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफिले को मिडिल फिंगर दिखाना जूली ब्रिस्कमैन नाम की महिला को भारी पड़ गया। महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ गई। घटना 28 अक्टूबर की है। डोनाल्ड ट्रंप पोटोमैक नदी के किनारे स्थित गोल्फ क्लब जा रहे थे। इसी दौरान ब्लैक एसयूवी का काफिला ब्रिस्कमैन के पास से गुजरा तो उसने काफिले को मिडिल फिंगर दिखा दी। ब्रिस्कमैन उस समय साइकिल चला रही थी। व्हाइट हाउस के काफिले में शामिल स्मियालोस्की ने इसकी तस्वीर खींच ली, जो कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। स्मियालोस्की ने कहा, मैं कैमरा हमेशा चालू रखता हूँ। आपको नहीं मालूम होता है कि आप क्या देखेंगे और क्या होगा। काफिल के पास थम्स अप और मिडिल फिंगर दिखाना बहुत सामान्य बात है। उन्होंने कहा कि महिला को अच्छे से पता था कि गाड़ी के भीतर कौन है। उन्होंने बताया कि ये तस्वीर उन्होंने पीछे से ली। तस्वीर में ब्रिस्कमैन अपने बाएं हाथ की मिडिल फिंगर काफिले को दिखा रही है। यह तस्वीर टीवी और इंटरनेट पर काफी वायरल हो गई। इसके साथ ही ब्रिस्कमैन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर भी इसे बना लिया है। ब्रिस्कमैन को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। 3 दिन के बाद उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकालते समय उन्होंने कहा, हम आपको खुद से अलग करते हैं। आप सोशल मीडिया पर इस तरह का अशिष्ट और अश्लील व्यवहार नहीं कर सकती हैं। आपको बता दें, ब्रिस्कमैन जिस कंपनी के लिए काम करती है वह अमेरिकी सरकार और सेना के लिए काम करती है।